अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शायदा। आज मैं बना रही हूँ भिंडी गोश्त। तो ये मेरे पास रखा हुआ है सामान, आधा किलो भिंडी है, गोश्त मैंने पतीली में डाल दिया है, और ये मेरे पास तेल है, 200 ग्राम तेल है, 3 चम्मच धनिया पिसा हुआ, 3 चम्मच पिसी हुई मिर्ची है, और 3 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट है, नमक हसबे जायक है, आधा चम्मच हल्दी है, और ये मेरे पास ये है टमाटर, 3 अदर टमाटर है। अभी ये मैं काटूँगी, ये 4 अदर प्याज है। चलो ये टमाटर डाल देंगे इसमें। 1 किलो मेरे पास गोश्त है, लहसुन अदरक का पेस्ट, पिसी भी मिर्चें, और ये पिसा हुआ धनिया, नमक हसबे जायका, ये प्याज। इस तरह से बताने का मकसद ये होता है कि जो जिन लड़कियों को पकाना नहीं आता, बहुत सी ऐसी हैं कि शादीशुदा हैं फिर भी खाना पकाना नहीं आता, तो इस तरह से आसान सालन पकाना है ये, कि मैं वैसे नहीं बताती, इस तरह से बिल्कुल आसान है ये, कि सब चीज़ें साथ डाल के और चढ़ा दो। ख़ास तौर से लड़कियों के लिए ये है कि अपने आराम से बना लेंगी। लड़कियाँ ही होता है कि पकाना ही नहीं आ रहा, अब इस तरह से वीडियो देखें और बिल्कुल आसान तरीके से ये सालन मैंने चढ़ा दिए, और इसको हर कोई यानी कि लड़की पका सकती है। और ये चढ़ा दिया मैंने, अब ये जब भुनाई पे आएगा ज़रा गोश गल जाएगा फिर दिखाऊंगी। ये सालन, ये गोश्त भुनाई के ऊपर आ रहा है, और अभी मैंने चेक करा है गोश्त भी गल गया था, तो ये हल्का सा पानी था, मैंने कहा ज़रा खुशक हो जाए, और ये दिखाया, अब ये भुनाई पे आ रहा है गोश्त। अब मैं इसकी भुनाई कर रही हूँ, खूब अच्छी तरह से इसकी भुनाई हो जाएगी, फिर अभी मैं दिखाती हूँ। भुनाई हो गई है खूब अच्छी तरह से, और घी ये देखिए तरी भी ऊपर आ गई, इसको खूब अच्छी तरह से मैंने भून लिया है। अब इसमें डालूँगी भिंडियाँ और शोरबा लगाऊँगी। ये भिंडियाँ डाल दी, और इसमें शोरबा लगा रही हूँ मैं, और ये भिंडियाँ एक भाप में आ जाएंगी। चारों तरफ से जो गंदी हो रही है ना पतीली, अब इसको साफ कर लूँगी मैं। अगर इसको हम साफ नहीं करेंगे तो पतीली भी अच्छी नहीं लगती। हरी मिर्च भी डाल देंगे इसके अंदर। ये भिंडी देखें हो गई है, अगर इसको हम ज़्यादा पक जाएंगे पकाएंगे तो ये बहुत गल जाएगी भिंडी, इतनी गल गई है। अब इसमें डाल रही हूँ मैं हरा धनिया,
और चूल्हा बंद कर रही हूँ और इसको मैं डिश ऑफ कर रही हूँ। गोश्त को और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और आपका लाइक और सब्सक्राइब जो होता है और शेयर करना तो वही हम खुशी होती है, वही हमारा इनाम होता है इस तरह से। तो मेरे चैनल को आप लोग लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया।